क्या एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा डेट कर रही हैं? 23 मार्च की रात को उन्हें साथ में घूमते देखा गया तो यही सवाल दिमाग में आया। हालांकि सच्चाई ये है कि राघव और परिणीति सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। परिणीति और राघव को इससे पहले बुधवार को गोरेगांव के वेस्टर्न होटल में डिनर करते देखा गया। अगले ही दिन दोपहर में दोनों ने बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में लंच किया। बैक टू बैक आउटिंग से फैंस के बीच सज्जाने की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों ने लंदन से पढ़ाई की है। वो काफी समय से दोस्त हैं। वो दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो भी करती हैं। दोनों को घूमना पसंद है। परिणीति चोपड़ा सिंगल है और फिलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रही हैं। वहीं राघव चड्ढा भी 34 साल की उम्र में सिंगल हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर्स के सम्मान से नवाजा गया था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। बता दें कि राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफी खास माने जाते हैं। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने पिछले साल पंजाब सरकार का सलाहकार बनाया गया था जिसका विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की। विपक्षियों का कहना है कि राघव पंजाब के वर्किंग सीएम है जबकि भगवंत मान सिर्फ एक शो पीस सीएम है। परिणीति चोपड़ा की लेटेस्ट फिल्मों की बात करें तो वो कोड नेम तिरंगा और ऊंचाई जैसे फिल्मों में नजर आई थी। उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही चमकीला और कैप्सूल गिल में नजर आएंगी। परिणीति ने अपने करियर की शुरुआत अर्जुन कपूर के साथ फिल्म इश्कजादे से की थी। उन्होंने हंसी तो फंसी, दावत इश्क, किल दिल और गोलमाल अगेन जैसी कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान से टेलीविजन में अपना डेब्यू करने वाली हैं। एक्ट्रेस मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर संग बतौर जज नजर आएंगी। हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान परिणीति ने अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की। बातों ही बातों में परिणीति ने बताया कि आने वाले दिनों में वो बतौर प्रोड्यूसर रिजेक्ट किए गए अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहती हैं। पढ़िए बातचीत कांश।